हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग में जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, एलबीटी कंडीशंस एंड नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे DAE की, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी की, आपको ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट वाला। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। बाकी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक आवेदन करने के लिए एंड नोटिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आवेदन की जो इसकी प्रतिक्रिया 11 जनवरी 11 मार्च 2023 से आप आवेदन कर सकते हैं और 10 अप्रैल 2023 तक लास्ट डेट रहने वाली, आवेदन कर सकते हैं। जिस भी पद से आप आवेदन करेंगे उसकी डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे ऑफिसर पद पर जैसे कि मैं ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के पद से आवेदन करूँगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है 21,700 वेतन बेसिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेवल 3 का पे मैट्रिक DA अलाउंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, एज की बात करेंगे, नॉट मोर देन 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 83 यहाँ पे रहेगी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पद पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, जिस भी पद से आप आवेदन कर रहे हैं उस पद की क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन से आवेदन कर रहे हैं तो 10+ तो पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क के साथ, साथ में वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और मिनिमम 1 ईयर का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना होगा, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल, नहीं तो आपको लास्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम फिल करना होगा, नीचे मदर नेम आपको फिल करना होगा। उसके बाद गार्डियन नेम आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो ही भर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद DOB आपको देनी होगी जो कि कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है। ये कैलेंडर यहाँ पे जो दिया गया है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको भरनी होगी। सबसे पहले ईयर मंथ आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, डे आपको सेलेक्ट करना होगा, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल, मैरिड है सिंगल, आप या मैरिड, स्टेटस नेशनलिटी इंडियन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस उसकी विलेज एंड सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्टेट और पिन कोड आपको देना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करनी होगी। फ्रेंड्स, ईमेल आईडी फिल करेंगे, इधर आपको ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, दोबारा से री एंटर करनी होगी आपकी ईमेल आईडी को। उसके बाद आधार कार्ड नंबर देना होगा, यहाँ पे कंफर्म करना होगा, ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप क्या बनाना चाहते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, दोबारा से आपको कंफर्म करना होगा क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हैं, पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको रखना होगा, जिसमें आप न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा, पासवर्ड दोबारा से रीएंटर करना होगा और यहाँ पे आपको कैप्चर कोड जो दिए गए हैं कैप्चर कोड्स फिल करने होंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है, सारी डिटेल को यहाँ पे टिक आपको करना है। आपको लगता है सारी डिटेल ठीक है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको लॉगिन पे जाना होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करनी होगी, आईडी पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर कोड जो दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करना होगा और लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक OTP देखने को मिलेगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फ्रेंड, जो OTP आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पे प्राप्त करेंगे
उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा फ्रेंड्स। फिल करेंगे और वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे डिटेल वेरीफाई होगी, वेरीफाई होने के बाद आप जिस पद से आवेदन कर रहे हैं उस पद पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, किस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं। रिलीजन आपका क्या है, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन है, जो भी रिलीजन है रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। जो आपका डोमिसाइल स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप फिजिकली एंटर करें तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एक सर्विस मैन है तो यस या नो देना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस या नो देना होगा। आपका कोई फैमिली मेंबर कर रहा है काम डिपार्टमेंट ऑफ ऊर्जा विभाग में तो यस या नो में आपको देना होगा। एक्सपीरियंस इन फायर सर्विस में आपके पास होना चाहिए तो आपको यहाँ है या नहीं है वो आपको देना होगा। प्रेजेंटली एम्प्लॉय है या नहीं है वो आपको देना होगा। यहाँ पे आपको अपनी हाइट देनी होगी जो कि सेंटीमीटर्स में देनी होगी। यहाँ पे आपको अपना वेट फिल करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना होगा, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है शरीर पे वो आप देंगे। नहीं है तो आप एन ए या नो मार्क की एंट्री यहाँ पे नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। यहाँ पे ट्वेल्थ का बोर्ड का नाम, आपका कौन सा बोर्ड है, आपकी क्या परसेंटेज रही है टेंथ में वो देनी होगी और कब आपने पास किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ट्वेल्थ का बोर्ड का नेम, परसेंटेज क्या रही है ट्वेल्थ में वो आपको देनी होगी और कब आपने पास किया है ट्वेल्थ उसका ईयर एंड मंथ आपको देना होगा। अदर कोई डिग्री आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके पास फायर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस का आपको यहाँ पे नंबर देना होगा, जो आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है नंबर फिल करेंगे। इशू डेट आपका कब इशू हुआ था लाइसेंस उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद कब तक आपका वैलिड है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी होगी फ्रेंड्स। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस डिटेल। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस डिटेल है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस पर काम कर रहे थे, रोज पे क्या था, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, पीरियड ऑफ टाइम कब से कब तक आपने काम किया है वो आपको देना होता है। अब आता है यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। जेपीजी जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और 20 से 50 KB के बीच में आपका फोटो का साइज यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी फोटो। सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर यहाँ पे आप फाइल को चूज करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे, फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेकेंडरी डिटेल कॉन्फर्मेशन, आपको यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को रीड करना है, टिक यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे आपको यस करना होगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी आपको अपने ईमेल आईडी पे भी आप चेक कर सकते हैं। दोबारा से आपको होम पे जाना होगा, दोबारा से री लॉगिन करनी होगी अपनी आईडी को। री लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको कैप्चर कोड को फिल करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोबारा से आप क्लिक एयर कर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो आपको फिल करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे जो अपने मोबाइल नंबर पर, और आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईमेल पे। उसके बाद आपको कैप्चर कोड को फिल करना होगा और लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। क्लिक करेंगे पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक किया टू पे पे आपको क्लिक करना होगा आवेदन शुल्क पे करने के लिए, और जिसके थ्रू आप क्यूआर के थ्रू करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, वो जिस भी ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV डालेंगे और यहाँ पे पे क्लिक कर देंगे। जैसे सक्सेसफुली पेमेंट आपका हो जाएगा उसका प्रिंट ले लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव रखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि यहाँ पे रहने वाला है। यदि आप
ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से आवेदन कर रहे हैं, तो आपका जो फुलफिल रिक्वायरमेंट फिजिक स्टैंडर्ड टेबल के ब्लू जो आप नीचे दिए उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया फर्स्ट स्टेज आपका यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, आपको फिजिकल टेस्ट आपका रहता है, उसके सेकंड स्टेज आपका प्राइमरी टेस्ट रहता है जिसमें आपको ये रिटर्न टिक मल्टी चॉइस क्वेश्चन चार ऑप्शंस मिलते हैं, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिलती है, मैथमेटिक 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तीन एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क और 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। थर्ड जो स्टेज रहता है एडवांस टेस्ट आपका रहता है जिसमें आपको यहाँ सारी डिटेल्स दी गई है उनको आप चेक कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।